अगर आप आज भी अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए रिमूव बीजी का यूज करते हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो देखो, जब भी हम अपने YouTube थंबनेल पे अपनी इमेज यूज करते हैं या किसी भी और क्रिएटर की इमेज यूज करते हैं तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। और ना सिर्फ YouTube थंबनेल्स में बल्कि अपनी वीडियोस में भी जब हम किसी और क्रिएटर के बारे में बात करते हैं तो रेफरेंस के लिए हम उनकी इमेजेस लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ भी इमेज हमें PNG फॉर्मेट में चाहिए होती है, यानी विदाउट बैकग्राउंड। और अगर इन सारी इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप रिमूव बीजी का यूज कर रहे हो तो आप अपने वीडियो और अपने थंबनेल दोनों को बर्बाद कर रहे हो। तो चलो आपको एक शॉकिंग चीज दिखाता हूं कि कैसे रिमूव बीजी आपकी अच्छी खासी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके उसे पूरी तरह खराब कर देती है। तो ये मेरी एक फोटो है जो मैंने अपने एक बजट फोन से ली है और फोटो क्वालिटी भी काफी अच्छी आई है क्योंकि बजट फोन में भी आजकल 48 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। तो इस फोटो को अगर मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ रिमूव बीजी से तो अभी आप फोटो क्वालिटी देखो काफी शार्प है और कहीं भी इसके पिक्सल्स फट नहीं रहे हैं। लेकिन इसको मैं अगर रिमूव बीजी से इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूं तो अब आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो पूरी तरह ब्लर हो चुकी है। इसको अगर मैं थोड़ा और ज्यादा जूम करूंगा तो जितना ज्यादा जूम करूंगा उतनी ज्यादा फटती जाएगी। और ओरिजिनल क्वालिटी आपको देखनी है तो ये ओरिजिनल फोटो थी और रिमूव बीजी से बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद क्वालिटी ये हो गई है, यानी इसकी शार्पनेस, इसकी क्लैरिटी, इसके जो कलर्स थे वो सब खत्म हो गए। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी इस तरह की हाई क्वालिटी इमेजेस का अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करते हो तो आपकी क्वालिटी रिमूव बीजी वाली नहीं बल्कि कुछ इस तरह की आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड पूरी तरह रिमूव हो चुका है लेकिन जो इमेज की क्वालिटी है वो आप देख लो इतना जूम करने के बाद भी फट नहीं रही है, ब्लर नहीं हो रही, डिस्टॉर्ट नहीं हो रही है। ठीक है, डिफरेंस आप देख सकते हो, ये है रिमूव बीजी का बैकग्राउंड रिमूव की हुई फोटो और ये है जिस टूल से मैं यूज करता हूं और जो टूल मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत अमेजिंग है, वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंपैरिजन के लिए हम दोनों टूल्स का यूज करने वाले हैं और दोनों ही टूल से हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे इमेज का और उसके बाद देखेंगे कि क्वालिटी में कितना फर्क पड़ता है और इमेज का साइज कितना कम हो जाता है, यानी ओरिजिनल जो इमेज का साइज है उससे कितना कम हो जाता है रिमूव बीजी में और इस नए टूल में। तो सबसे पहले ओपन करते हैं रिमूव बीजी को और यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने अपनी इमेज अपलोड कर दी है और कुछ सेकंड्स में रिमूव बीजी इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। अब इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है, अब इसे कर लेते हैं डाउनलोड। अब यहाँ पे रिमूव बीजी का काम खत्म हो चुका है, अब आते हैं हम अपने टूल पे जिसका यूज करके हम अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो उस टूल का नाम है एडोबी एक्सप्रेस। भाई बहुत तगड़ा टूल है, इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि आप मतलब आपकी पूरी वीडियो मेकिंग इसमें आ सकती है। ऑलमोस्ट इसमें इमेज के, वीडियो के, हर एक के लिए हजारों टूल्स हैं। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं एडोबी एक्सप्रेस। वेबसाइट का नाम आपको यहाँ से देख लेना है adobe.com/express, वैसे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे टैब्स, आपको स्ट्रेट अवे आ जाना है फोटो में। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा फोटो क्विक एक्शंस के अंदर, काफी सारे जो ऑप्शंस हैं, सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का। यहाँ पे आप 40 MB तक की फोटो अपलोड कर सकते हो और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन है कि फ्री फॉर लिमिटेड टाइम, यानी ये फिलहाल फ्री है, कब तक फ्री रहेगी ये तो नहीं पता लेकिन जब तक फ्री है तब तक इसे खूब यूज कर लो अच्छे से, फिलहाल ये कम्प्लीटली फ्री है। अब यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अपनी उसी इमेज को एक बार यहाँ भी अपलोड कर देते हैं। अब अपनी उसी इमेज को हमने यहाँ भी अपलोड कर दिया और यहाँ भी कुछ ही सेकंड में इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से भी इसको कर लेते हैं डाउनलोड। अब हमारी ये इमेज भी डाउनलोड हो चुकी है, अब चलते हैं अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में और दोनों इमेजेस का कंपैरिजन देखते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों इमेजेस हमारे सामने हैं, पहली है ओरिजिनल इमेज और बाकी दोनों इमेजेस हैं जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है, एक का रिमूव बीजी से और एक का एडोबी से। पहले देखते हैं डिफरेंस की साइज में कितना अंतर आया है, यानी ओरिजिनल फाइल कितने की है और रिमूव होने के बाद फाइल का साइज कितना हो गया है। तो ओरिजिनल फाइल को अगर हम प्रॉपर्टीज में देखते हैं तो यहां पे इसका फाइल है 8.32 MB, यानी 8.5 MB की ये फोटो है। अब इसके बाद हमने रिमूव बीजी से जब इसका बैकग्राउंड रिमूव किया तो इस फाइल का साइज हो गया सिर्फ 114 KB, यानी एक पासपोर्ट साइज फोटो से भी बुरी कर दी है कंडीशन इसने रिमूव बीजी के बाद। इसी इमेज की जो 8.5 MB की फोटो थी वो हो गई है मात्र 100 KB की, 1 MB की भी नहीं, 100 KB की। और ये जब आप एडोबी से इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है हमने तो यहाँ पे इस इमेज का साइज है 7.68 MB, यानी सिर्फ 1 MB का लॉस हुआ है पूरे बैकग्राउंड रिमूव होने में, 8.5 MB से 7.5 MB आ गई है और ये आ गई थी 100 KB पे।
तो इतना बड़ा डिफरेंस तो साइज में आ गया है। अब इसकी क्वालिटी को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं ये जो ओरिजिनल इमेज है हमारी, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इमेज है, इसके बाद ये है जो रिमूव बीजी से, ये आप ऑटोमेटिकली देख लो साइज रिमूव बीजी ने खुद ही कम कर दिया है इसका। ये फुल स्क्रीन पे आ रही है और ये ऑलरेडी हाफ स्क्रीन पे जा चुकी है। और अडोबी वाली अब देखो ये अगेन फुल स्क्रीन पे आ रही है, यानी यहाँ पे क्वालिटी इसने मेंटेन की है। अब वापस से जो ओरिजिनल हमारी फोटो है इसको अगर हम जूम करना स्टार्ट करते हैं तो पूरा चेहरा अगर हम कैमरे पे ले आते हैं, पूरा स्क्रीन पे अगर हम फुल फेस ले आते हैं, तब भी जो चेहरा है अभी तक ब्लर या फिर किसी भी तरह का डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से पिक्सल्स इसके फट नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ हम रिमूव बीजी वाली वो फोटो अगर ओपन करते हैं और इसको अगर हम जूम करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखो जूम होते होते इस इमेज की हालत क्या हो गई है भाई, पूरे चिथड़े उड़ गए हैं इमेज के। इमेज में ना क्लैरिटी है, ना शार्पनेस है, ना कलर्स हैं, सब कुछ जा चुके हैं। और वहीं ये जो हमने एडोबी से रिमूव किया है बैकग्राउंड, यहाँ पे आप जूम कर लो तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी जो है एज गुड एज ओरिजिनल वाली फोटो की आ रही है। यानी ये जो फोटो है ओरिजिनल फोटो और ये जो है जो एडोबी से रिमूव हुई है, दोनों की क्लैरिटी, दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। बीच में ये रिमूव बीजी वाली फोटो है जिसकी क्वालिटी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। अब ऐसा होता क्यों है ये भी आप समझ लो। तो इमेज जो रिमूव हुआ है उसके बाद जो बैकग्राउंड हमारा बनता है वो आप देख सकते हो कि ग्रे और वाइट बॉक्सेस के कॉम्बिनेशन से बनता है जब पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बॉक्सेस हैं ग्रे और वाइट, ये बॉक्सेस काफ़ी बड़े बड़े हैं, यानी ये जो रिमूव बीजी है ये पिक्सल्स को काफ़ी बड़ा बड़ा करके फिर उसको जो प्रोसेस करना होता है या रिमूव करना होता है सारी प्रोसेसिंग करती है इतने बड़े पिक्सल्स के साथ। वहीं अब जब एडोबी की जो बैकग्राउंड रिमूव वाली फोटो है इसको मैं और जूम करता हूं तो अभी तक भी ये क्लैरिटी बनी हुई है और इसके पिक्सल्स देखो आप, ये इतना जूम करने के बाद भी इसके पिक्सल्स अभी बहुत ही माइन्यूट दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बहुत ही डॉट की तरह दिखाई दे रहे हैं इतना जूम करने के बाद। और रिमूव बीजी के देख लो ये तो चेस के बॉक्स की तरह दिखाई दे रहे हैं इतने बड़े। तो यही रीजन है कि रिमूव बीजी बैकग्राउंड तो रिमूव कर देता है लेकिन इतने बड़े पिक्सल्स के साथ वो बैकग्राउंड को रिमूव करता है कि वीडियो की जो इमेज की क्वालिटी है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। वहीं अडोबी पूरी तरह क्वालिटी को मेंटेन करते हुए इसका बैकग्राउंड रिमूव करता है। तो चाहे अपने यूट्यूब थंबनेल्स के लिए अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना हो या फिर अपने वीडियो में भी किसी क्रिएटर का अगर फोटो यूज करना हो पीएनजी फॉर्मेट में और वहां भी उसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो भाई रिमूव बीजी को करो बंद, एडोब एक्सप्रेस को करो शुरू, क्योंकि फिलहाल तो ये कंप्लीटली फ्री है, जब पेड होगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये कंप्लीटली फ्री है, कोई लिमिट नहीं है कि आप दिन में एक इमेज या दो इमेज या दस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, जितनी चाहो उतनी बैकग्राउंड रिमूव करो। तो भाई फिलहाल तो जब तक फ्री है तब तक Adobe Express को यूज करना शुरू करो। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।